Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha Balvaidyanik Competition is exam ke liye hum log preparation kar rahe hain. Aapne dekha hai mere channel par is exam se liye hue bahut sare MCQs maine yahan solve karke dikhaye hue hain. Yahan par aapko charo option ka explanation mil jata hai taki aapki wo concept puri clear ho jati hai, right? इसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए तो ये उसका शेड्यूल है, इस तरीके से मैं ये प्रोवाइड कर सकती हूँ. एंड दिस इज हैविंग वेरी लो कॉस्ट और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो आप मुझे क्वेश्चन बैंक के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो. आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं. Freezing and boiling points of water are dash and dash respectively. Options में हमें सारे values Kelvin में दिए गए हैं और D option है none of these. अब freezing point और boiling point water का हम Celsius में अच्छी तरीके से जानते हैं. Freezing point 0 degree Celsius होता है और boiling point 100 degree Celsius, right? मगर इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन हमें केल्विन में, के मतलब केल्विन में दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये पता होना जरूरी है. सो फॉर दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. तो यहाँ पर हमें केल्विन अगर निकालना है तब सेल्सियस जितने भी दिए हुए हैं उसमें 273 हमें मिलाना होगा और इस तरीके से केल्विन आते हैं 273 केल्विन, दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है. इसके अलावा देखो उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्म्यूला. और हम जानते हैं सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 यहाँ पर रख दिया. सो 373 केल्विन वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. समझ में आया? टेम्परेचर मेजर करने के तीन यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट, जिसमें केल्विन इज यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, सेल्सियस और फारेनहाइट जो है वो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, राइट? तो इस फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इसके अलावा देखो फारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन अगर पूछा है तो उसके लिए फॉर्मूला है F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ठीक है? तो ये भी कन्वर्जन पूछ सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. और ये ऊपर वाला भी केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 273 केल्विन एंड 373 केल्विन, ओके? तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. इसी तरीके से और भी MCQ सॉल्व करके लेकर आ रही हूँ. अच्छे से पढ़ाई करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.